गुड मॉर्निंग एयर सीरीज़ है उसका, आज ये फ्रीडम स्ट्रगल का तीसरा सेक्शन है। इसके बाद ये एक और क्लास होगी और उसके बाद हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल इन द रीजन ऑफ उत्तराखंड, दैट मीन्स कुमाऊँ एंड गढ़वाल, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर लेंगे उत्तराखंड का, यहाँ के टेम्पल्स के बारे में, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड्स द जोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, जिसमें हम यहाँ के माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में और यहाँ के जो फीचर्स हैं, जोग्राफिकल फीचर्स, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद अवर क्लास। पहले हम पढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद का संबंध कुमाऊँ से कैसा रहा। स्वामी विवेकानंद कब कब यहाँ आए और किस तरीके से उन्होंने यहाँ अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। आर्य समाज का जो संबंध है वो कुमाऊँ से काफी पहले से है, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के समय से ही। स्वामी दयानंद सरस्वती और उनका जो आर्य समाज है वो काफी पहले ही कुमाऊँ के क्षेत्र में आकर स्थापित हुआ। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित पंडित गजानंद चिम्वाल ने सत्य धर्म प्रकाशनी सभा 20 मई 1874 को यहाँ पर स्थापित कर दी थी। वैसे आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में हुई है, लेकिन उससे पहले ही 1874 में एक मिलती जुलती जो सभा थी वो उत्तराखंड के कुमाऊँ में श्री गजानंद चिम्वाल द्वारा स्थापित की गई। बाद में इस सभा को आर्य समाज के साथ मिक्स कर दिया गया। आर्य समाज के अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा स्वामी विवेकानंद का संबंध भी कुमाऊं से अच्छा खासा रहा। स्वामी विवेकानंद कुमाऊं की यात्रा पर कई बार आए। 1893 में जो वो फेमस शिकागो कॉन्फ्रेंस है जिसमें स्वामी विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया, जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले और उसके बाद भी स्वामी विवेकानंद लगातार कुमाऊँ आते रहे। स्वामी विवेकानंद की जो पहली यात्रा थी वो 1890 में हुई, जब वो नैनीताल आए और यहाँ के एक लोकल महाराजा थे खेतरी के, उनसे मुलाकात की। इसके बाद वो काकरी घाट गए और यहाँ पर कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की, ध्यान लगाया। काकरी घाट और कैंची ये महत्वपूर्ण जगहें हैं अल्मोड़ा में, और ये बाबा नीम करोई का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो प्रसिद्ध बाबा हैं और जिनके शिष्यों में मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स जैसे व्यक्तियों का नाम भी लिया जाता है। तो काकरी घाट और कैंची जो हैं वो बाबा नीम करोली से संबंधित हैं और उनके आश्रम इस जगह पर स्थापित हैं। तो उनसे पहले स्वामी विवेकानंद भी इस जगह आए। यहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उससे काफी प्रभावित हुए और मेडिटेशन भी किया। इसके बाद पहले तो यात्रा तो 1890 में हो गई उनकी, यानी कि शिकागो कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले। तब वो इतने प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन जब 1893 में उन्होंने शिकागो रिलीजियस वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद जब वो भारत लौटे तो वो एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। उनका नाम घर घर में जाना और पहचाना जाने लगा। पूरे देश में उनके विचारों को लेकर, उनके आदर्शों को लेकर बातें हुई। 1897 में विवेकानंद दोबारा से कुमाऊं की यात्रा पर आए। इस बार वो मुख्य रूप से देवलधर रहे और साथ ही अल्मोड़ा का प्रसिद्ध कसार देवी टेम्पल है, यहाँ पर भी कुछ समय तक उन्होंने ध्यान किया। कसार देवी टेम्पल अपने मैग्नेटिक फील्ड के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस टेम्पल में अलग ही प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है और काफी पहले से, पुराने समय से
यहाँ पर ध्यान तपस्या की जाती रही है। स्वामी विवेकानंद का भी कुमाऊं में एक फेवरेट जगह कसार देवी टेम्पल ही थी, जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। इसी साल यानी कि 1897 जब वो कुमाऊं आए, इसी साल उनकी जो पहली यात्रा थी वो कहाँ हुई, वो गढ़वाल में भी हुई। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उनकी पहली यात्रा कुमाऊं में कहाँ हुई, तो 1890, और पहली यात्रा गढ़वाल में कहाँ हुई, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1897। वो गढ़वाल गए, गढ़वाल के टिहरी महाराज से मिले। इसके अलावा यहाँ के जो मुख्य तीर्थ स्थल हैं गंगा नदी के किनारे, वहाँ भी पहुँचकर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया। इसके बाद वो दो बार और आए हैं, 1898 में और 1909 में। 1898 और 1909 के बीच में उनके द्वारा एक आश्रम, जिसे कहा जाता है मायावती आश्रम, ये आश्रम जो है वो अद्वैत आश्रम है। अद्वैत यानी कि ये वो सिद्धांत हुआ जो विश्वास रखता है नॉन डुअलिज्म में। अद्वैत दैट मींस पुरुष और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा वो एक ही हैं, वो अलग नहीं है। तो ये मायावती आश्रम अपने अद्वैत सिद्धांत के लिए काफ़ी फेमस है। ये आश्रम लोहाघाट चंपावत में लोकेटेड है और चंपावत की एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो अभी भी इस आश्रम में आते हैं, यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। स्वामी विवेकानंद की एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी प्रबुद्ध भारत। पहले इसका प्रकाशन मद्रास से हुआ करता था, लेकिन मायावती आश्रम स्थापित होने के बाद इसका जो प्रकाशन है वो शिफ्ट कर दिया गया मायावती आश्रम में। अभी भी ये आश्रम, मायावती आश्रम लोहाघाट चंपावत, सेंटर है प्रबुद्ध भारत और स्वामी विवेकानंद से जुड़े लेख पुस्तिका इत्यादि प्रकाशित करने का। तो इस तरीके से ये स्वामी विवेकानंद का संबंध रहा कुमाऊं से, और उनकी ये चार यात्राएं और उनके द्वारा स्थापित मायावती आश्रम। अब हम पढ़ते हैं एक अन्य व्यक्ति के बारे में, खुशीराम और उनका शिल्पकार स्ट्रगल। है ना, ये टॉपिक्स क्या है ना, ये इनको इनका आपको लगेगा इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये कहीं से भी उठाए गए हैं। इसका रीज़न ये है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप कनेक्टिविटी में नहीं पढ़ सकते हैं, पर एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मेंस में सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रिलेशनशिप ऑफ स्वामी विवेकानंद विद कुमाऊं एंड हिज विजिट्स इन कुमाऊं, या फिर प्री में पूछ लिया जाए उनकी पहली विजिट कब हुई, मायावती आश्रम उनके द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया, या प्रबुद्ध भारत का सेंटर जो था पब्लिकेशन सेंटर वो कहाँ पर स्थापित हुआ। तो हमें इस टाइप के टॉपिक्स को ऐसे ही कवर करना पड़ता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका कुछ मूवमेंट है, जो इस तरीके से कवर होगा। इसी कड़ी में दूसरा नाम है खुशीराम और शिल्पकार स्ट्रगल। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारत में कुमाऊं के क्षेत्र में भी दलितों की स्थिति को लेकर एक आंदोलन चला, खुशीराम उसमें महत्वपूर्ण थे। इसके बाद दूसरा नाम आता है हरिप्रसाद टमटा का। खुशीराम दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनका जो मुख्य संघर्ष इस बात को लेकर था कि जो दलित हैं कुमाऊं और गढ़वाल के, उनको दलित या अन्य नामों से ना पुकार कर उनको शिल्पकार कहा जाए। उनका कहना था कि जितने भी दलित हैं वो मुख्यतः आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं। ये कला के धनी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर निर्माण करवाया, जो मूर्तियां निर्मित करते हैं, इसलिए इन व्यक्तियों को वो सम्मान दिया जाना चाहिए जो ये डिजर्व करते हैं। दलित कहना या अन्य नामों से पुकारना
एक तरीके से इनकी इंसल्ट है। तो उनका जो मुख्य आंदोलन था, उनकी जो सोच थी, वो थी कि किसी तरीके से दलितों को, जो रिकॉर्ड्स में उनको अलग अलग तरीके से पुकारा जाता था, नाम लेना सही नहीं है इसलिए मैं नहीं लूंगा, तो मुख्य एक कॉमन शब्द दलित, पर रिकॉर्ड्स में उनको अन्य अन्य प्रकारों से उनकी एंट्री की जाती थी, उनका नाम रखा जाता था, जो काफी इंसल्टिंग लगता था। तो खुशीराम का आंदोलन मुख्य रूप से दलितों को शिल्पकार कहा जाए और फिर उनके अधिकारों को समानता के लिए लड़ा जाए। इसमें वो काफी सफल भी हुए और उस समय के जो कुमाऊं कमिश्नर थे पी विंडहम, उन्होंने खुशीराम की बात को माना और इसके बाद जो सेंसस हुआ उसमें, ये सेंसस लगभग लगभग 1912 के आसपास हुआ, उसमें दलितों का नाम बदल के शिल्पकार कर दिया गया और शिल्पकार कैटेगरी में ही उनका सेंसस हुआ, उनका नाम लिखा गया। तो इस तरीके से खुशीराम और उनके ही साथी थे हरि प्रसाद टम्टा, दोनों ही व्यक्तियों ने मिलकर कार्य करा, दोनों ही व्यक्तियों ने दलितों की स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। आगे चलकर इनके द्वारा शिल्पकार सभा भी बनाई गई, आगे चलकर इनके द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पे दलितों के सुधार के लिए कार्यक्रम चल रहे थे उसमें अपने आप को जोड़ा गया। हालांकि बाद में हरिप्रसाद टमटा और खुशीराम को लेकर, खुशीराम के बीच में कुछ विवाद हुआ और दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल गए। खुशीराम चाहते थे कि जो कुमाऊं का दलित आंदोलन है उसे राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए, जबकि हरिप्रसाद टमटा जी के विचार जो थे वो इससे भिन्न थे, जिसकी वजह से फिर इन्होंने अलग अलग कार्य करना ही ठीक समझा। पर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो है महात्मा गांधी की कुमाऊं की यात्राओं को लेकर, कि महात्मा गांधी कुमाऊं में कब आए और उनके द्वारा क्या कार्य किए गए। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुमाऊं परिषद की बैठकों में जब चौथी बैठक हुई तो ये निर्णय लिया गया कि एक डेलीगेशन जाएगा नागपुर सेशन, 1920 की बात है, नागपुर सेशन में भागीदारी लेगा, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलेगा, गांधी जी से मिलेगा और उनको कन्विंस किया जाएगा कि वो कुमाऊं की यात्रा पर आए। हालांकि 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का समय था, 21-22 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला, फिर चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद गांधी जी जेल में चले गए 1924 के आसपास, फिर वो जेल से छूटकर आए तो वो व्यस्त रहे और कुमाऊं की यात्रा पर नहीं आ पाए। लेकिन फाइनली 1929 वो वर्ष रहा जब गांधी जी कुमाऊं की यात्रा पर आए। वो अपने साथ कस्तूरबा गांधी, प्यारे लाल, जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोगों को भी लेकर आए। और यहाँ जो बड़े नेता थे हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, इन सब के द्वारा गांधी जी के साथ रहे वो, और गांधी जी की जो भी स्टे था लगभग लगभग करीब करीब 20 दिनों का स्टे, 13 जून से लेके 4 जुलाई 1929 का, वो सभी व्यक्ति गांधी जी के साथ रहे और कुमाऊं के अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा उनके द्वारा की गई। इस बीच गांधी जी हल्द्वानी गए, भवाली गए, अल्मोड़ा गए, बागेश्वर गए और कौसानी की यात्रा पर भी गए। कौसानी को उन्होंने इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहा है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है, तो वो उत्तर होगा गांधी जी का। और ये एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कमीशन का कि गांधी जी की यात्रा कुमाऊं में कब हुई। सही उत्तर होगा 1929, इंडिया स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके से गांधी जी की ये पहली यात्रा हुई और इसमें उन्होंने सैकड़ों सभाओं को संबोधित किया। जहां भी वो गए वहां पे लोगों की बातें सुनी, लोगों की समस्याओं के बारे में जाना, वो किस तरीके से अंग्रेजी सरकार का जो शोषण है वो सह रहे हैं उसको जाना, कुली उतार क्या है, कुली बेगार क्या है और कुली बर्दयाश्त क्या है, इन चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी की, लोगों को जागरूक किया, लोगों को अहिंसा के बारे में जागरूक किया, लोगों को बताया कि सत्याग्रह क्या होता है, उसको किस तरीके से करना चाहिए। गांधी जी आमतौर पर पैदल यात्राओं में ही विश्वास रखते थे तो अधिकतर जगहों पर जहां वो गए उनके द्वारा पैदल यात्राएं ही की गई। साथ ही साथ वो बागेश्वर में गए और बागेश्वर में वहां पर उन्होंने स्वराज भवन की नींव रखी। ये भवन एक मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं विक्टर मोहन जोशी, उनकी याद में स्थापित किया गया। इसके बाद 1931 में
गांधी जी दोबारा आए, ये गांधी जी की दूसरी यात्रा थी। ताकुला एक जगह है, ताकुला भी अल्मोड़ा में ही पड़ती है। तो इस बार मुख्य रूप से गांधी जी इसी स्थान पर रहे, है ना। तो ये एक और महत्वपूर्ण यात्रा जो है वो गांधी जी की मानी जा सकती है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के पहले की बात है ये, क्योंकि आपको मालूम होगा 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, तो मूवमेंट शुरू होते ही गांधी जी समेत सभी व्यक्तियों को जेल डाल दिया गया। लेकिन एक पैक्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। कोई बता पाएगा गांधी इरविन पैक्ट की डेट क्या है? गांधी इरविन पैक्ट की डेट क्या है? कोई है आप में से बुद्धिमान व्यक्ति? बिल्कुल, गांधी इरविन पैक्ट 1931। गुड, 5th मार्च 1931। बिल्कुल 5th मार्च 1931। अंकित पुरेठा आपका गलत जवाब हो गया, 1934। कभी मैं ऐसे ही बैठे बैठे आपका हिस्ट्री का टेस्ट ले लूंगा और आप देखते हैं आपकी जानकारी हिस्ट्री के क्षेत्र में कितनी है। कोई बताएगा लखनऊ पैक्ट कब हुआ? कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। लखनऊ पैक्ट कोई आप में से बुद्धिमान व्यक्ति लखनऊ पैक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे पाएगा? कब ये पैक्ट हुआ? लखनऊ पैक्ट कब का है? अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव जो है वो कब का है? ये चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल आपको रटी हुई होनी चाहिए, इसमें किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लखनऊ पैक्ट 1916 का है। अगस्त ऑफ प्रस्ताव कब का है? अगस्त ऑफर जिसे कहा जाता है। बिल्कुल, अगस्त ऑफर 1940 का है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 1916 लखनऊ पैक्ट है। लखनऊ पैक्ट मुख्य रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव देने वाले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जरा, जिसने ये प्रस्ताव दिया। गवर्नर जनरल कौन था उस समय 1940? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। नहीं, क्रिस्ट नहीं था, क्रिस्ट तो अलग आदमी हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन इंग्लैंड से आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में देने वाला गवर्नर जनरल कौन था? शाबाश, लॉर्ड लिनलिथगो था वो आदमी। ये संधियां, ये ट्रीटी। पूना पैक्ट कब का है बताइए जरा? पूना पैक्ट बताइए। पूना पैक्ट नाइनटीन थर्टी टू का तो है, डेट भी तो बताइए उसकी क्या डेट होगी। इसमें तो कोई शक की बात नहीं, 1932 का पूना पैक्ट है। गांधी, अंबेडकर और कुछ लोग और भी थे उसमें ना, कृपलानी वगैरह भी। तो इस टाइप की चीजें, कभी एक दिन आपका हिस्ट्री का टेस्ट लूंगा मैं, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं, टेस्ट लूंगा, है ना। उसमें क्वेश्चन बना के नहीं आऊंगा, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आएंगे वो आपसे पूछ लूंगा, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। क्योंकि मेरा मानना है कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आपको ऑप्शंस देखने की रिक्वायरमेंट ही ना हो, वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा एग्जाम है, बड़ी पद पे जाते हैं आप, तो कुछ चीज़ों के लिए आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो नॉलेज है वो इतनी क्लियर होनी चाहिए, आपकी टिप्स में होनी चाहिए वो चीज़ें, कि गलती नहीं। बस आपसे पूछा जाए कि फलाना पुस्तक के लेखक कौन है तो आप बता दीजिए, या फिर फलाना संगठन कब बना तो आप बता दीजिए, या फिर फलाना पैक्ट कब साइन हुआ, तो बिल्कुल आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये क्या था, एकदम आपके मुंह से निकल कर आना चाहिए कि भाई ये चीज़ जो थी वो इस तारीख को हुई, ये इस डेट को हुई। जब आपकी तैयारी उस स्तर की पहुंच जाएगी तब ये मान लिया जाएगा कि आप प्री निकालने के काबिल हो गए हैं, कि आपको ऑप्शंस की जरूरत ना पड़े।
तैयारी को नापने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। जब आप करीब करीब 60-70 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर बिना ऑप्शन के भी कर पाए, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है वो उस जबरदस्त स्वरूप में पहुंच गई है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखी, कोई बताएगा? फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, गुलामगिरी के लेखक कौन है बताइए, होमवर्क करिएगा, नहीं तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखा, गुलामगिरी किसने लिखी, बंदी जीवन किसने लिखा, है ना? सबसे पहले सत्याग्रह की बात किसने की, सबसे पहले अपना दूसरा क्या होता है, सत्याग्रह नहीं, स्वराज, स्वराज की बात सबके सबसे पहले किसके द्वारा की गई, बॉयकॉट किसके द्वारा सजेस्ट किया गया सबसे पहले, स्वदेशी सबसे पहले किसके द्वारा सजेस्ट किया गया, टिप्स में होना चाहिए सब चीजें। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोरा की किताब है, गुलामगिरी सही ज्योतिबा फूले की किताब है, बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक है, राइट? ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए आपके। चलिए एक दिन टेस्ट लेते हैं आपका, तैयार रहिएगा, एक दिन ऐसे ही सरप्राइज। क्लास का बहाना बोलूंगा मैं आपको कि क्लास है, पर क्लास नहीं होगी, उस दिन मैं आपका टेस्ट ले लूंगा पूरा का पूरा, एंशियंट मिडिवियल मॉडर्न हिस्ट्री उठाकर या फिर पॉलिटी उठाकर, और इस तरीके के बिल्कुल फायर करूंगा क्वेश्चन आपके ऊपर, और कोई भी चॉइस नहीं दूंगा, कोई भी MCQ नहीं दूंगा, सिर्फ आपको आंसर बताना पड़ेगा अपनी मेमोरी पे बेस्ड, वो तैयारी जबरदस्त होगी। चलिए अभी इतना ही करते हैं।